नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद में ये हमारी पहली वीडियो होगी। देखिए, मंगलवार 29 सितंबर को 3 आईपीओ खुल रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट इसमें डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऑफर फॉर सेल है 3,05,99,017 शेयर का। इक्विटी शेयर जो है इसके 413 से 444 करोड़ रुपए में ये कंपनी डिस इन्वेस्टमेंट करेगी। गवर्नमेंट की कंपनी है ये, और इसका जो इशू है वो 1 अक्टूबर 2020 को बंद होगा बृहस्पतिवार वाले दिन। इसका जो प्राइस बैंड है वो 135 से लेकर 145 रुपए कंपनी ने रखा है। इसका जो लॉट साइज है वो कम से कम 103 शेयर या इसके मल्टीपल में है, और कम से कम की जो एप्लीकेशन है मिनिमम वो होगी 14,935 रुपए की। एम्प्लॉयज़ रिजर्वेशन इसमें 3,45,517 शेयर का होगा। QIB पोर्शन 50% का है, NIB पोर्शन 15% का है। रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन होगी शेयर्स की, और इसकी जो लिस्टिंग है वो BSE और NSE पर होगी। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या ये अप्लाई करना चाहिए? देखिए, मैं तो इसे अप्लाई करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। हालांकि गवर्नमेंट की कंपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है, लेकिन फिर भी जो है इसका जो डिफेंस का सेक्टर है इसका, मैं ये वाला इशू अप्लाई करूँगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से, अपने दोस्तों से आप सलाह लेकर करें। ये मैंने अपनी बात बताई है, अपना डिसीजन आप खुद लें। थैंक यू वेरी मच। आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आप हम जो है अब आगे डालते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी कॉमेंट हो वो आप हमें ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।